न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की बात चल रही है तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के रेजोल्यूशंस आए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं कितने ऑनेस्ट, कितने सिंपल, कितने प्यारे रेजोल्यूशंस हैं ये। द फर्स्ट वन इज आरबीआई, मतलब क्लियरिंग आरबीआई, लूज 10 kg वेट, क्लियर पिंपल्स। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट, बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ऑनेस्ट रेजोल्यूशन है ये। अब आपको सेकेंड स्टेप जो लेना है, हाउ टू लूज 10 kg वेट विदाउट एक्चुअली अफेक्टिंग योर बॉडी नेगेटिवली। और क्लियर पिंपल्स के बारे में बोलना चाहूंगा, यू आर ब्यूटिफुल द वे यू आर, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट। दूसरा रेजोल्यूशन है टू गो फॉर अ 1 hour वॉक 5 days a week एंड टू कंस्ट्रक्ट अ प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल फॉर कंस्ट्रक्टिव स्टडी। वॉकिंग से आगे रनिंग में भी जाना जरूरी है। हम लोग भी आजकल काफी रनिंग को लेकर एंथुजियाज्म में है और हमारे ऑफिस में भी सब ने रेजोल्यूशन बनाया है दैट वी स्टार्ट गोइंग फॉर मैराथॉन्स फ्रॉम 2023 इटसेल्फ। हम लोगों ने कुछ मेडल्स भी इकट्ठे किए हैं और धीरे धीरे हमें ऑफिस को एक रनिंग ऑफिस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल हु लव मैराथॉन्स, यू कैन ऑल्सो प्रॉब्ली जॉइन अस इन द फ्यूचर, वॉकिंग से रनिंग पे आ सकते हो। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन है। एक और रेजोल्यूशन आया है जो कि बहुत पर्सनल है एंड वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट, उसने लिखा है आई मस्ट क्रैक आरबीआई ग्रेड बी दिस ईयर एंड माई नेम शुड बी डिस्प्लेड इन अनु जिंदल सर्स हॉल ऑफ फेम। If possible, I would like to discuss my strategy and post the video link on my WhatsApp pages. Video का तो पता नहीं, लेकिन नाम तुम्हारा जरूर आएगा Hall of Fame में। I am very very sure about it कि अगर consistently और अच्छे से तैयारी करोगे in the new year, in the coming new year, तो बहुत जल्दी ही और बहुत अच्छे से exam को clear कर पाओगे। All the very best. With this, I would like to say Happy New Year to everyone. I am very sure 2023 is going to be an amazing year for all of you. Yeah, so the resolution is, no matter how many problems I face, I will bounce back and achieve what I want. Bas isi determination ke saath apne 2023 ki shuruaat kariye and then you will be unstoppable. All the very best for this journey and chak de phatte. So the resolution that I got was to get a good and high paying job in 2023 and shift with my boyfriend as soon as possible. Firstly, congratulations, you have a boyfriend. That's a really nice thing. And you want to get a good and high paying job, which is amazing. You should always target high. But at the same time, hame hamesha mental peace pe focus karna chahiye. So, wherever you're working, focus on your mental peace. Baki stress relief karne ke liye to aapke paas aapka boyfriend hai. All the best for 2023. So, the resolution which one student has sent me is to not worry about things on which I have no control. That's awesome, dude. I wish I can also have this in my life. So, in the last, I just want to wish you a very happy new year and I hope that you achieve this in your life. So, the new year resolution I got from this student is, I am a little slow kind of a person. So, my new year resolution will be to manage time and be punctual. To manage time, always remember, kal kare so aaj kar, aaj kare so ab. Phir wo time kabhi nahi aayega jab start karenge hum. All the best. The resolution that I have received is born to develop a habit of reading books. देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी हैबिट को डेवलप करने में कम से कम 21 दिन का समय लगता है। तो अगर एक बुक से दूसरी बुक ऑफ करोगे तो कभी भी ये हैबिट नहीं पढ़ने वाला। सिंपल तरीका क्या है, एक थीम अडॉप्ट करो और रगड़ के उसकी 4 किताबें पढ़ लो। जब आप 21 दिन पढ़ाई कर लोगे, रीडिंग कर लोगे, अपने आप हैबिट डेवलप हो जाएगी। आई होप दैट यू अचीव दिस हैबिट ऑफ योर्स। ऑल द बेस्ट। तो आई हैव रिसीव्ड दिस रेजोल्यूशन फ्रॉम अ स्टूडेंट लूजिंग 10 kg वेट। सो ये तो बहुत अच्छा रेजोल्यूशन आपने चूज किया आपके साल के लिए। तो आपको पता होगा हेल्थ इज वेल्थ, तो उस हिसाब से आपने यू आर फोकसिंग ऑन योर हेल्थ। एक साल भर आपको एक 10 kg लूज करने के लिए या फिर भी मोटिवेटेड फॉर दैट, तो आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको डाइट मेंटेन रखना पड़ेगा, आपका आपको एफर्ट्स भी लेनी पड़ेगी या फिर एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली। तो आपको एक्सरसाइज भी चूज करो कि आपको जो सही लगे, कि आपसे वो कम्फर्टेबल हो, उससे आपके गोल अचीव करने के लिए आपको हेल्प हो जाए। तो आई एम विशिंग यू अ हैप्पी न्यू ईयर, हेल्दी न्यू ईयर। ऑलराइट, सो लेट्स रीड द नेक्स्ट रेजोल्यूशन, दैट्स बी सेफ। ओके, ये तो बहुत अच्छा था गुरु, क्योंकि सेफ रहोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। जब तक सेफ नहीं होगे तब तक देश पर राज कैसे करोगे। बट अलोंग विद दिस आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, बी बोल्ड एज वेल। बिकॉज अगर हम हमारे प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पल लें तो वो सेफ रहने के साथ साथ बोल्ड भी है। बोल्ड होगे तभी बहुत बड़ा काम कर पाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। So a resolution which I got from a student is that I want to have a happy life with zero regret of bad decision. Your resolution a good resolution, but your resolution hurt me. Kyun?
because no one is happy, my dear. Actually, happiness is a myth, but it is also a choice. But there is a solution to it. As Munna bhai says, happiness baatte chalo and die, or tum khud happy ban jao. Okay? So I wish you all the best and spread happiness. Ek resolution aaya mere paas. Wo kuch is prakar hai. I will not run after shortcuts and will remain consistent throughout the year. बिल्कुल सही बात है. Although मैं खुद क्वांट के शॉर्टकट्स पढ़ाता हूँ, लेकिन लाइफ में शॉर्टकट्स वर्क नहीं करते हैं. और शॉर्टकट से अगर कुछ मिला है तो आई डोंट थिंक वो बहुत लंबा टिकता भी है. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रेजोल्यूशन. हैव अ हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप आप अपना रेजोल्यूशन अचीव कर पाओ. सो द नेक्स्ट रेजोल्यूशन इज वर्क ऑन माई फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, कीप माई काम, लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स. This is a very cute one as you are focusing on yourself. Like for keeping calm, what you can do, you should not react at the heat of the moment. And for looking at the brighter side, you can download an app, Gratitude. Like maine bhi kar rakha hai, to usme aap daily entries karte ho for the things you are grateful for. I hope you continue this resolution. A very happy new year.